हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार आदाब, मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए, मजा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बमहनी डी में शौचालय निर्माण की अनुदान राशि दिलाने ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल प्रदेश के दौरे पर। राहुल गांधी ने दिए बस्तर को करोड़ों की सौगात। कृषक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर किया हमला। खटिया रायगढ़ चौक में ट्रेलर ने बाइक को लिया अपनी चपेट में, मौके पर ही युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। और पुलवामा में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रायगढ़ के विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। गुरुवार को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर स्थित अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए हैं। इस आतंकवादी हमले से शहर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सबने आतंकियों के इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को लोगों ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही शहीदों के परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर भी शहरवासियों की नाराजगी देखने को मिली है। ज्यादातर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है। उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला लें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को शहर भर में सभाओं का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने घटना की पुरजोर निंदा करते हुए सरकार से मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। साथ ही कहा कि अब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसी क्रम में शहीद चौक में रायगढ़ प्रेस एसोसिएशन द्वारा और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर और कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा के साथ उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए इस आतंकी हमले का विरोध किया। आज का यह कार्यक्रम पुलवामा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमारे वीर जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा के रूप में रखा गया था, जिसमें जिला प्रेस एसोसिएशन और सभी पत्रकार साथियों की तरफ से यह आयोजन था। इसमें पूरे रायगढ़वासी शामिल हुए। मातृशक्ति के रूप में रायगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अधिवक्ता संघ, शिक्षक संघ, नगरीय निकाय शिक्षक संघ, लगभग सभी साथी, खिलाड़ी संघ, संस्कार पब्लिक स्कूल, सभी के युवा और वरिष्ठ लोग शामिल हुए। सभी ने अपने उद्गार व्यक्त किए कि किस प्रकार से वे दुखी हैं कल की घटना से, और सभी की मंशा यही है कि इसका बदला लिया जाए, आक्रामक रूप से लिया जाए और जोरदार लिया जाए। वही कारगिल चौक से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च कारगिल चौक से निकलकर सुभाष चौक होते हुए गांधी पुतला पर संपन्न हुआ, जहां वहां सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कल जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने जो भारत के सेना के ऊपर जो कातिलाना हमला किया, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हुए आज उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप यहां एकत्रित हुए। कांग्रेस ने भी इस हमले का विरोध करते हुए रायगढ़ कांग्रेस कमेटी में स्टेशन चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से कैंडल मार्च निकालकर गांधी प्रतिमा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में जो कायराना हमला जो जैसे मोहम्मद और आतंकवादी द्वारा जो किया गया है, जिसमें हमारे हजारों वीर जवान शहीद हुए हैं, और ऐसे शहीद जो हुए हैं उनके आज श्रद्धांजलि के लिए जिला कांग्रेस कमेटी से हम लोगों ने समस्त सदस्य आज कैंडल मार्च निकाले गए हैं और 2 मिनट का मौन धारण किया गया है।
रायगढ़ प्रेस क्लब द्वारा भी गांधी प्रतिमा से कैंडल मार्च निकालकर कारगिल चौक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश शर्मा एवं अन्य बुद्धिजीवी वर्ग शहर के और अन्य सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद रहे। देखिए, दुखद घड़ी में पूरा देश एक साथ है। रायगढ़ वासियों ने सोचा कि पूरी बिरादरी, चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, सब मिलके उन वीर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि देश में एकता का माहौल हो। पाकिस्तान जिस प्रकार एक के बाद आतंकवादी हमले कर रहा है तो देश को कमजोर करने की जो साजिश है उसको विफल करने के लिए देशवासियों की जो एकता है वो देखने को मिलनी चाहिए। क्या लगता है, मोमबत्ती और ये श्रद्धांजलि सभा से आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए हम लोग को? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मोमबत्ती और श्रद्धांजलि से बहुत काफ़ी आगे जाना चाहिए कि अब खून का बदला खून और पाकिस्तान को सबक सिखाने का अब मौका नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि देशवासियों की जो आग है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। अगर इसको ठंडी नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत दुखद क्षण देखने को मिलेंगे। रायगढ़ के 0. सत्तीगुड़ी चौक में भी युवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा वीर शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। INN24 के लिए रायगढ़ से सत्यजीत घोष की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और लोग पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे हैं। लोगों के द्वारा पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं पंडरिया में भी पुलवामा आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंडरिया नगर में बड़ी संख्या में नगर के युवाओं के आह्वान पर स्कूली बच्चों और युवाओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया और भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को हर हाल में इस हमले का बदला लेना चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी काली पट्टी लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 18 फरवरी को काम बंद कर हड़ताल करेंगे। वेतन वृद्धि की मांग मनवाने के लिए जिला सहकारी बैंक में कार्यरत जिले के कर्मचारी इन दिनों आंदोलन के रास्ते पर है। आंदोलन के शुरुआती दौर में अभी कर्मचारी काली पट्टी लगाकर काम करते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आगे इसी कड़ी में 18 फरवरी को जिले भर के सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी द्वारा एक दिवसीय काम बंद हड़ताल किया जाएगा। रविवार अवकाश के बाद सोमवार को कर्मचारियों के काम बंद हड़ताल से किसानों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की आजकल जिला सहकारी बैंक में भुगतान के लिए भीड़ लग रही है, लेकिन अब रविवार के बाद सोमवार को भी किसानों को बैंक से भुगतान नहीं हो पाएगा। ये छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ बिलासपुर के आह्वान पर 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2019 तक काली पट्टी लगाकर अपने कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। महंगाई के आधार पर सहकारी बैंक में प्राइस इंडेक्स, महंगाई, वेतन वृद्धि मांग को लेकर एक सूत्री मांग को लेकर यह हड़ताल 18 फरवरी को होना है। हड़ताल हमारे जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय मुख्यालय नेहरू चौक बिलासपुर में 18 तारीख को होगी। 18 तारीख को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवस के लिए बिलासपुर मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और हड़ताल में शामिल रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष मुकेश सचेती व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपेश नेताम के नेतृत्व में युवा मोर्चा नरहरपुर द्वारा कांग्रेस पार्टी व सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उनका कहना था कि विपक्ष पार्टी के द्वारा रायपुर में देश के प्रधानमंत्री के फोटो पर जूता चप्पलों का माला पहनाया गया था, जो कि निंदनीय है, जिस पर दुख व्यक्त करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा बस स्टैंड नरहरपुर में कांग्रेस पार्टी व सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन कर थाना नरहरपुर में कांग्रेस पार्टी के इस हरकत पर कार्रवाई की मांग कर ज्ञापन सौंपा। देखिए, हाल ही में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा रायपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान वहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं रायपुर पश्चिम के विधायक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का जो कटआउट लगा हुआ था उन पर उनके द्वारा दुर्भावनावश कहें या विकृत मानसिकता से ग्रसित कहें, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के कटआउट पर जूते चप्पल का माला डाला, उनको जूते चप्पलों से पीटा गया और उनके साथ अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया। निश्चित तौर पर
ये बहुत ही दुखद विषय है। राजनीति अपनी जगह, देश के प्रधानमंत्री के साथ में इस टाइप का कृत्य नहीं होना चाहिए, निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही मेरा मीडिया के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में आज मुख्यमंत्री भी है, उन तक ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगें और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ये कार्रवाई करें, उनको पार्टी से निष्कासित करें। साथ में प्रशासन से भी निवेदन करेंगे, इस माध्यम से अभी थाना जाएंगे, थाने में भी इस चीज़ की विधिवत शिकायत दर्ज करवाएंगे कि ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर में कार्रवाई हो। देश के प्रधानमंत्री के पुतले के साथ में इस टाइप का जो कृत्य हुआ है ये अशोभनीय है, इसकी हम जमकर निंदा करते हैं। हमारे लिए बड़ा ही दुखद विषय है कि जैसे ही कांग्रेस हमारे छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई, उसके बाद से उनकी जो कृतियाँ हैं बहुत ही दुखददायक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी के रहे, देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसके फोटो में आप जूते का हार पहना रहे हैं, उसके बाद उनको गाली गलौज कर रही है, विषय मेरे हिसाब से सही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से संस्कार नहीं है। अब ये कार्य सिर्फ कांग्रेस वाले कर सकते हैं। ये दुखद कारण से हमने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया, उनके मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, और मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है, इस तरीके से कार्य नहीं। पखांजूर के कोयलीबेड़ा विकासखंड में पदस्थ निस्वार्थ भाव से सेवा दे रही मितानिनों को शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उस पैसों का संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वहीं इस मामले में जिला कांकेर से एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, जिस पर इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी थी। फिलहाल मामले में एक कर्मचारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रत्ना सरकार को पृथक किया गया है, वहीं बाकी लिप्त लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच के बावजूद कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे रहना बहुत से सवाल उठाती है। लोगों का कहना है कि मामले की लीपापोती की जा रही है, जबकि मितानिनों के प्रोत्साहन राशि के लाखों रुपए का बंदर बांट कर भ्रष्टाचार हुआ है। एनआर नवरत्न का कहना है कि इस मामले में जिले की जांच टीम काम कर रही है, वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को पृथक भी किया गया है, बाकी दोषियों पर कार्रवाई होगी। जानकारी जो समिति बनाया गया था, जांच समिति, उसमें जांच करके जिला में प्रेषित की जा चुकी है और उसके तहत कार्रवाई भी होना चालू हो गया है। उसमें जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रत्ना सरकार थी, उनको कार्य से पृथक भी किया जा चुका है, और भी इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो मेरे नियमानुसार उसमें कार्रवाई किए जाएंगे। ऐसा कितने राशि का अब तक का सर गड़बड़ी का मामला आ रहा है, इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि पूरी जाँच रिपोर्ट जो है वहाँ प्रस्तुत हो गई है बंद लिफाफे में, तो इसमें कितने क्या हुआ है जिला कार्यालय से ही आपको मिल पाएगा। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र खड़गवा के कट्टापार प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले 21 बच्चों में से 19 बच्चों के बेहोश होकर गिरने की शिकायत के बाद शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं डॉक्टरों द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह साइकोटिक डिसऑर्डर है, बच्चों की स्थिति नॉर्मल है। बच्चों का हालचाल जानने कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य सहित डॉक्टरों की टीम पहुंची, वहीं डॉक्टरों द्वारा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर जांच में डरने की वजह से गिरने की बात सामने आ रही है, वहीं पूरा मामला नया मोड़ लेते जा रहा है। स्कूली बच्चों का मानना है कि स्कूल में कोई काला साया, काला सा धुआं दिखता है, जिसके कारण बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं, और यहाँ यह पिछले 8 तारीख से चल रहा है। वही परिजनों का कहना है कि बच्चे स्कूल में पिछले 8 तारीख से चक्कर खाकर गिर रहे हैं। बच्चों का गांव में प्राथमिक उपचार कराया गया था। परिजनों के समझ से परे है कि पूरा मामला क्या है। यहाँ कुल 22 बच्चे दर्ज हैं और जिसमें से आज यहाँ पर 19 बच्चों को लाए हैं हम लोग, और सर इनकी परेशानी ये है कि सर सभी बच्चे अपने आप गिर जाते हैं, स्कूल में गिरते हैं सर, घर में भी गिरते हैं, स्कूल में भी गिर जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं। और 8 तारीख को सर लगभग ये शुरू हुआ था और 10 तारीख को लगभग सर को ज़्यादा ही बढ़ गया था, और बच्चे खाना खाए थे चावल में गिर गए थे, तो और 2 बच्चे बाथरूम में गिर गए थे, कोई बच्चे हाथ धो के आ रहे थे वहाँ गिर गए थे, इस टाइप से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद हम लोग 11 तारीख को सर लगभग, हाँ 11 को था सर, बी ओ ऑफिस को सूचना दिए थे, वहाँ से एक टीम आई थी, उस दिन किसी को कुछ नहीं हुआ था, उसके एक दिन बाद भी किसी को कुछ नहीं हुआ, और कल से फिर शुरू हो गया था अचानक से। फिर आज मानपुर से टीम आई थी और साथ में सर सब सर लोग आए थे, और फिर यहाँ खड़गवा में एडमिट किए, वहाँ से रिफर किए। कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये सभी हैं सर, पहली क्लास से 5वीं तक सभी क्लास में हैं। बच्चे किसी डर की वजह से इस तरीके से चक्कर खाकर गिर रहे, बाकी सभी बच्चे ठीक हैं। वही स्कूल के टीचर का कहना है कि सभी बच्चे स्कूल में और अपने अपने घर में अचानक गिर जाते हैं, 8 तारीख से ये चलते आ रहा है। गांव में प्राथमिक उपचार कराया गया था। वही पूरा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया
और अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर सहित जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना और बेहतर इलाज का आदेश दिया। वही सभी बच्चों की स्थिति अभी ठीक है। हैप्पी पब्लिक स्कूल बमहनी डी में कैंडल जलाकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धा अर्पित की गई। पूरा देश पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले से गहरे शोक में है। हैप्पी पब्लिक विद्यालय परिसर में विद्यालय के स्टाफ व विद्यार्थी एवं बमहनी डी प्रेस क्लब भी सम्मिलित हुआ तथा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष रौनक सराफ, उपाध्यक्ष नवीन सराफ, सचिव आजम खान, देवेंद्र निराला, नेतराम बघेल तथा हैप्पी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मुस्ताक कुरैशी, सईद खान एवं सभी स्टाफ के द्वारा शहीदों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। बमहनीडी ग्राम पंचायत पोड़ी शंकर के आश्रित ग्राम कनकपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर नीरज बंसोड़ को ज्ञापन सौंपकर शौचालय निर्माण के तहत मिलने वाली अनुदान राशि की भुगतान करने की बात कही है। ग्राम कनकपुर के लगभग 113 हितग्राहियों द्वारा ग्राम पंचायत पोड़ी शंकर के सरपंच सचिव के कहे अनुसार स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण खुद के व्यय से कराए थे, लेकिन अभी तक किसी भी हितग्राही को एक पैसा भी नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग साहूकारों से कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराए थे, अब साहूकारों द्वारा अपनी राशि को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीण यहां तक कह रहे हैं कि जल्द ही राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कनकपुर के ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा 27 सितंबर 2018 को भी कलेक्टर महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके शौचालय निर्माण की अनुदान राशि का भुगतान कराने को कहा गया था, पर कलेक्टर साहब द्वारा इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए एक बार फिर उनके संज्ञान में डालते हुए आवेदन किया गया है। अगर इस बार उक्त राशि का भुगतान जल्द नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। बमनीडी के अधिकांश पंचायत के सरपंच व हितग्राहियों को आज तक शौचालय की राशि नसीब नहीं हो सकी है, जबकि सरपंच व हितग्राहियों ने कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं जिन जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत व जिला पंचायत के अधिकारियों को शौचालय की राशि के लिए कमीशन दिया है, उसे पूरी राशि जिला पंचायत से दी जाती है। जैसे कि बमनीडी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोठी व कुम्हारी कला के सरपंच को लगभग पूरी राशि का जिला पंचायत द्वारा भुगतान कर दिया गया है। कनकपुर के ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय की राशि के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, पर कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो अधिकारी चौपाल लगाकर शौचालय बनाने के लिए काफी दबाव बनाए, यह कहा गया कि शौचालय नहीं बनवाओगे तो राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। अब जैसे तैसे साहूकार से कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण करा लिए हैं तो अब राशि देने में अधिकारी मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। डेढ़ साल हो गए नहीं मिले थे, ब्याज बट्टा में लेके शौचालय बनवाए हैं। कर्मचारी करा जात हन तो कर्मचारी है आज मिल ही काल मिल ही, ऊपर से पैसा नहीं आए कहते, अंते चल दे पैसा कहते। सरपंच का बोला थे, सरपंच कहते अभी पैसा आए नहीं है, कहाँ के आए है, कहाँ के आए का घोड़ की चमकी लगा। बाथरूम लो बनाए हम और कर्मचारी मन करा जाथन तो कलेक्टर है यहाँ भेजते सीओ करा, सीओ हा आए नहीं है जिला में पैसा कहते, और हमारा वो लागा छूट नहीं बाथरूम की 12,000 और पैसा मिलेगा के बनवाए हैं, बनावा तो राशन कार्ड बन ही कहीस और बना दे रहे तो राशन कार्ड कट जाही कहतरी से, अब बना दे रहे तो पैसा नहीं देती। खरसिया रायगढ़ चौक में ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही युवक रोहित यादव की मौत हो गई, जिसमें दो बच्चे घायल हुए हैं। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर 25 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर प्रभारी तहसीलदार, खरसिया थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी की टीम माहौल को शांत करने में जुटे रहे। ढबरा रोड से खरसिया आ रही ट्रेलर ने ठोकर मारी। मृतक रोहित यादव परिवार के साथ ढबरा की तरफ जा रहा था। प्रशासन घंटों मशक्कत करने के उपरांत 1,75,000 की मुआवजा राशि मृतक की पत्नी आरती यादव को भुगतान होने के पश्चात परिजनों ने चक्का जाम हटाया। आज दिनांक को जोरीपाली रोड में खरसिया में वार्ड नंबर 17 ठाकुर के निवासी रोहित यादव पिता
जयलाल यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके एवज में उनके निकटतम वारिश उनकी पत्नी आरती को आरबीसी 6-4 के तहत 25,000 नगद दिया गया। युवक कांग्रेस लेलुंगा विधानसभा महामंत्री रविशंकर यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चक्रधर नगर थाने पहुंचे। युवा ने निष्क्रिय सांसद विष्णुदेव साय को ढूंढने थाना प्रभारी को आवेदन दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद द्वारा लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्य में निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाया। अपने आवेदन में उन्होंने लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्या नहीं सुनने का भी आरोप लगाया। सांसद विष्णुदेव साय ने पिछले चुनाव में क्षेत्र की जनता को एनएच सहित जशपुर रायगढ़ रेल लाइन जैसे प्रमुख कार्यों को पूरा करने का वादा किया था। क्षेत्र की जनता को झुनझुना थमाने वाले सांसद के प्रति युवा कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को अपने आवेदन में सांसद विष्णुदेव साय के गुम हो जाने के संबंध में बताया और उनसे निवेदन किया कि वह हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद को ढूंढ के लाने की गुहार लगाई। रायगढ़ क्षेत्र के युवक कांग्रेस ललुंगा विधानसभा महामंत्री रविशंकर यादव अपने 50-60 समर्थक के साथ आज थाना चक्रधर नगर आया था जुलूस के रूप में लेकर के, और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री विष्णुदेव साय जी चुनाव जीतने के बाद से इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं और विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञापन में लेख है। जैसे जसपुर में एनएच निर्माण और आउटसोर्सिंग बंद, इस टाइप के उनके कुछ मांगे हैं जिनका विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। लोकसभा चुनाव जब भी पास आता है बीजेपी के नेताओं का ये काम रहा है हमेशा से कि जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आए तो काम करें। विष्णुदेव साय जी माननीय हमारे सांसद, चुनाव आ गया है फिर भी सक्रिय नहीं हुए हैं अभी तक। वो आउटसोर्सिंग की योजना और रायगढ़ से जसपुर तक एनएच मार्ग उपलब्ध कराना और रेल लाइन की उपलब्धि पर, इन सब वादों को लेकर के वे बहुमत से जीते हुए थे जो एकदम छलावा है, और अभी एकदम निष्क्रिय हो के ऐसे मतलब आम आदमी टाइप का घूम रहे हैं या फिर अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है उनके इस प्रकार के रवैये से कि वे गुमशुदा हो गए हैं। इस बार यूथ लहर है, कांग्रेस पार्टी की लहर है और जमानत जब्त करवाने की हमारी उद्देश्य है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल प्रदेश के दौरे पर आए। यहां कृषक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल ने यहां विशाल आदिवासी कृषक अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दिए लेकिन देश के किसान को 3.5 रुपए दिए। मोदी जी किसानों को दिन के 17 रुपए देने की योजना लेकर आए और बजट के दौरान उनके मंत्री टेबल ठोकते नहीं थक रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने वादा किया कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि टाटा प्लांट में आपकी जमीन आपसे ली गई थी और उस पर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। आपने अपनी जमीन वापस करने की मांग की थी, हमने इसे वापस देने का वादा किया था, हमने वादा पूरा किया। राहुल ने कहा कि देश का ये पहला प्रदेश है जिसने किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई। जल, जंगल और जमीन पर हक आपका है। आपका जल, आपकी जमीन और आपका जंगल, जो जंगल में उपज होती है उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। आपका जंगल में उगता है, उसका फायदा आपको मिलेगा।
शक्ति के पंडित दीनदयाल स्टेडियम के परशुराम भवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्तरीय मितानिनों का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है, जिसमें 26 इंडक्शन नए मितानिन जो 4 ब्लॉकों से शक्ति में प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें जय जयपुर, ढबरा, मालखरौदा, शक्ति इन जगहों से नए मितानिनों का भर्ती किया गया है। यह मितानिन भी इस प्रशिक्षण में शामिल है। वही नए मितानिन सहित 408 मितानिनों का प्रशिक्षण होना है, जिसमें पहले बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। दूसरी बैच का प्रशिक्षण आरंभ है, जिसमें 125 महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कोऑर्डिनेटर, विकास खंड, चिकित्सा अधिकारी सहित पुराने मितानिनों के द्वारा बताया जा रहा है कि फील्ड में जाकर आप किस प्रकार से बीमारियों का उपचार करेंगे। वहीं प्रशिक्षण में एनजीओ के द्वारा भी प्रशिक्षण देकर महिला पुरुष की समानता के बारे में भी बताया जा रहा है, परंतु प्रशिक्षण में मेन्यू के हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं प्रशिक्षण के दौरान LCD लगाकर चलचित्र के माध्यम से प्रशिक्षण देना है, वह भी प्रशिक्षण केंद्र में नहीं लगा हुआ है, जबकि शासन के द्वारा नियम शर्त जो दिया गया है उस आधार पर प्रशिक्षण जारी नहीं है। और मैं डबरा ब्लॉक चंद्रपुर से हूँ। हम लोग यहाँ 6 दिन से आए हुए हैं। यहाँ हम लोग को पहले दिन से मितानिन की क्या भूमिका है वो बताई गई है, और स्वास्थ्य के जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। उनके बाद में गर्भवती माता की देखभाल और शिशु, नवजात शिशु के बारे में जानकारी बताया गया है, और TB बीमारी, कुष्ठ बीमारी के बारे में भी बताया गया है। सभी के चीज़ के बारे में बारीकी से बताया गया है, अच्छा से बताया गया है। उसको अपने क्षेत्र में जाके हम अच्छे से कार्य को करें। यहाँ पर सब चीज़ की व्यवस्था अच्छा है सर, खाना पीना सब चीज़। खाने में क्या मिलता है? सुबह नाश्ता मिलता है। क्या मिलता है नाश्ते में? नाश्ते में पोहा मिलता है, हलवा मिलता है, और खाने में दाल भात और सब्जी मिलता है, चार मिलता है, सलाद भी मिलता है, पापड़ सलाद सब मिलता है। हमारे यहाँ शक्ति ब्लॉक में 23वें चरण का मितानिन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 100 के लगभग में मितानिन जो पुराने हैं, और 26 इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा है जो नए मितानिन हैं जो अन्य 4 ब्लॉक से शक्ति के साथ आए हुए हैं। उनको स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है, और मातृत्व शिशु देखभाल, और उसके साथ ही साथ मितानिन का समाज में क्या रोल है, भागीदारी है, तथा मेन उन्हें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ शिशु स्वास्थ्य में टीकाकरण करना एवं गर्भवती जांच एवं बच्चों की देखभाल, तथा साथ ही साथ अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का किस तरह से संपादन करना है, कुष्ठ, TB, इन सभी प्रोग्राम में, फाइलेरिया, मलेरिया में उनको किस तरह से सहयोग करना है, और स्वास्थ्य टीम के साथ कंधे से कंधे मिला करके समाज में अपनी सहभागिता को बढ़ाते हुए एक उत्तम स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचाना है, इसके अंदर जानकारी दी जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में 3 कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धा अर्पित की गई। पूरा देश पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले से गहरे शोक में है। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवाद एवं आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान एवं अलगाववादियों को नेस्त नाबूद करने का समय आ गया है, और देश की सरकार से मांग करते हुए आर पार की लड़ाई की आवश्यकता है, तभी देश से आतंकवाद समाप्त होगा और हमारे नौजवान वीर सैनिकों के इस प्रकार की दुखद घटनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.